गाइस फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारा जाना स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों बात करने वाले हैं जी लर्न शेयर के बारे में। 3 रुपये 28 पैसे में स्टॉक का प्राइस मिल रहा है, क्या स्टॉक को बाय करना चाहिए, क्या इसका फंडामेंटल है, नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, फुल डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल पर नहीं हो तो बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अनाउंस वीडियो आपको पर डे देखने के लिए मिल जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, अगर पॉजिटिव रहेगा बाय करेंगे, नहीं तो अवॉइड करेंगे। तो हम लोग को क्या नजर आ रहा है, रेवेन्यू में थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है 2023 में। नेटवर्थ यहाँ पर देखोगे डाउन हो चुका है। मेन चीज है प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट में भयंकर तरीके से लॉस हुआ है, जो कि 2019, 2020, 2021, 2022 में नहीं हुआ था। 443 करोड़ का लॉस है, जो कि बहुत ही लॉस नजर आ रहा है। रिटेल इन्वेस्टर के पास 73%, प्रमोटर 15%, फॉरेन इन्वेस्टर 11% और अदर जो डोमेस्टिक वाले हैं 0.01 रखे, जो कि नेगेटिव बात है कंपनी के लिए। पूरा कंपनी को आप अवॉइड कर सकते हो, नहीं तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा तो कंपनी 45 रुपीज तक हाई लगाया था, अभी 86% की डाउनफॉल में मिल रहा है। 24 रुपये करके लिस्टिंग हुआ था 2010 में। इस बीच शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन इस बीच भयंकर तरीके से गिरावट दिया है कंपनी। अगर हम लोग फुल डिटेल्स में कंपनी को देखेंगे, BSE और NSE दोनों में लिस्टिंग है। 108 करोड़ का मार्केट कैप है, पी नेगेटिव है, बुक वैल्यू से ऊपर से मिल रहा है, हाई लो देख सकते हो, डिविडेंड नहीं देता है। आरओसी यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव, आरओई नेगेटिव, फेस वैल्यू 1 का है। कर्जा देखोगे 463 करोड़ का है, रिजर्व माइनस में एसेट थोड़ा रखा है, वॉल्यूम फिर क्या फ्री कैश रखा है। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर नेगेटिव है, नेटवर्क पॉजिटिव, डिविडेंड नहीं देता है, डेट टू इक्विटी 25 है। उसके अलावा आप देखोगे डेट टू इक्विटी यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं और एक बार आपको दिखा देता हूँ, 25 है, यानी कर्जा बहुत ही ज्यादा है कंपनी के ऊपर। और ये कंपनी कितने नंबर पर आता है, इस फिल्म में 4 नंबर पर आता है। आप देखोगे सेल ग्रोथ क्या बता रहा है, सेल ग्रोथ पॉजिटिव, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव, CAGR नेगेटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव। एसेट एसेट में दोस्तों हम लोग को डाउन नजर आ रहा है, नेट कैश फ्लो 0 है। तो सारा पैरामीटर देखने के बाद एक हाई रिस्क कंपनी है, आप इसको अवॉइड कर सकते हो। अगर बाय करोगे मिनिमम अमाउंट डालना 100-200, उससे ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट खराब आया है। तो होप करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।